अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां शास्त्री नगर अवनि विहार में रहने वाली एक महिला ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर कंघी कर रही होती है कि अचानक ही उसके सामने एक काली नागिन फन फैलाते हुए प्रकट हो जाती है। नागिन को देखते ही महिला के होश उड़ जाते हैं और वह बहुत जोर से चीखती है। महिला की चीख सुनकर उसका बेटा आ जाता है और फिर कमरे को बंद कर सर्प विशेषज्ञ को सूचना देता है। नागिन को पकड़ने में सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को भी पसीना आ जाता है। शास्त्री नगर अवनि विहार में रहने वाली राहुल रावत के किचन में रविवार की रात उसकी मां ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बालों में कंघी कर रही होती है। जैसे ही राहुल की मां ड्रेसिंग टेबल का दराज खोलती है तो एक 3 फीट की काली कोबरा नागिन फन फैलाए बैठी होती है। नागिन को देखते ही महिला के होश उड़ जाते हैं। महिला बहुत जोर से चीखती है, जिसके बाद बाजू वाले कमरे में उनका बेटा राहुल आता है और माँ से चीखने की वजह पूछता है। महिला इस कदर डर जाती है कि राहुल को नागिन तरफ इशारा करके बताती है। नागिन को ड्रेसिंग टेबल में बैठा देख राहुल अपनी माँ को बाहर ले जाता है और किचन को बाहर से बंद कर सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को सूचना देता है। जानकारी लगते ही सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे मौके पर पहुंचते हैं और कड़ी मशक्कत पर नागिन को पकड़ने में कामयाबी हासिल करते हैं। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि 3 फीट लंबी यह नागिन कोबरा प्रजाति की है, जो कि बहुत ही जहरीली होती है। यह नागिन इतनी मुसैल होती है कि किसी को देखते ही उस पर तुरंत आक्रमण कर देती है। जब जब अगर कोबरा नागिन फन फैलाए नजर आए तो समझ लो कि वह बहुत गुस्से में है। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि राहुल के घर के पीछे खेत लगा हुआ है, संभवत वही यह घर के भीतर रहने वाले चूहों की तलाश में आ गई होगी। सर्प विशेषज्ञ ने जहरीली नागिन को पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया। जो है राहुल की माता जी कंघी करने के लिए गई और नीचे का ड्रॉर खोला तो वहां पर फन फैलाए 3 फीट लंबी कोबरा प्रजाति की नागिन को देखकर घबरा गईं और चीखते हुए बाहर आ गईं। इस नागिन को पकड़ लिया है। यह कोबरा प्रजाति की बहुत ही घातक और जहरीली नागिन है।